हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ अरोमा मैजिक का विटामिन सी स्किन लाइटनिंग जेल का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है और इसके कार्डबोर्ड पर जो प्रिंट किया हुआ वो बहुत ही सुंदर है और इस कार्डबोर्ड पे कुछ कुछ डिटेल्स लिखे हुए होते हैं इस प्रोडक्ट के, जैसा कि प्राइस वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग डेट, इंग्रेडिएंट्स वगैरह क्या क्या है, हाउ टू यूज, ये सारी डिटेल्स इस कार्डबोर्ड पैकेजिंग पे लिखी हुई रहती है। अब हम देखेंगे कि इसकी इनर पैकेजिंग कैसी होती है। ये इस तरह के रेड एंड वाइट ट्यूब में आता है और कार्डबोर्ड के ऊपर जितनी डिटेल्स लिखी हुई होती है, सेम सारी डिटेल्स इस ट्यूब के ऊपर भी लिखी हुई है। अब हम पैक पर दिए गए डिटेल्स को देखते हैं। पैक पर लिखी हुई है कि ये 100% फ्री है पेट्रोकेमिकल्स, टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और कलर से। इस पर यह भी लिखा हुआ है कि ये विटामिन सी के जो नेचुरल सोर्सेस होते हैं उससे बना हुआ है, जैसे कि ग्रेप फ्रूट जूस जो कि आपके स्किन को यूवी डैमेज और एजिंग होने से बचाता है, चेरी एंड लिकोराइस का यूज किया गया है जो एंटी पिगमेंटेशन की तरह काम करता है और स्किन रीजनरेशन प्रॉपर्टीज होते हैं इसमें। इस प्रोडक्ट में विटामिन सी से एनरिच्ड एसेंशियल ऑयल्स का यूज किया गया है जो कि आपके स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है और आपके स्किन के इलास्टिसिटी को प्रमोट करता है। और इसमें सैफ्रन इन्फ्यूज्ड वाटर का भी यूज किया गया है जो कि आपके स्किन पे जो भी ब्लेमिश वगैरह होते हैं उन्हें ट्रीट करता है। अब हम बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। इसकी जो प्राइस इस पैक पर प्रिंट किया हुआ है वो 350 रुपये लिखे हुए हैं, बट आप अगर इसे ऑनलाइन परचेज करते हो तो इस पे आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने भी इसे ऑनलाइन ही परचेज किया है, तो ऑनलाइन का जो परचेज लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और हाँ फ्रेंड्स, और एक बात याद आई कि अभी 8 अगस्त से 11 अगस्त तक अमेजोन पे फ्रीडम सेल चलने वाली है और उस पर बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स हैं, तो आप सभी लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, ये बहुत ही अच्छा मौका है। अब हम इस प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी के बारे में बात करेंगे। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल लाइट है और जेल फॉर्म में आता है। ये स्किन पे लगाने के बाद 40 से 50 सेकंड में एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप स्किन पे कुछ लगाए हो, ना ही देखने से पता चलेगा और ना ही आपको फील होगा। ये जो जेल है ये मैं 4 मंथ से यूज कर रही हूँ और मुझे जो लग रहा है मैं वो बता रही हूँ। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि स्किन अगर सेंसिटिव है या फिर बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं तो कौन सा क्रीम यूज किया जाए। सबसे पहली बात, अगर पिंपल्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे ऑयल बेस्ड क्रीम का यूज करना सबसे बड़ी गलती है, वो हमारे प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो ऐसे लोगों को मैं ये वाला जो अरोमा मैजिक का विटामिन सी स्किन लाइटनिंग जेल है ये मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि ये आपको स्किन पे बिल्कुल भी लाइट वेट लगेगा, बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कुछ लगा रहे हो और एटलीस्ट आपकी जो प्रॉब्लम हो रही है ना उसे नहीं बढ़ाएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देख सकते हैं। स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। वैसे ये जो जेल है ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, कोई भी यूज कर सकते हैं और इसमें लिखा हुआ है कि इसमें SPF 30 है, बट मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है मुझे लगता है कि एज ए सनस्क्रीन अगर हम इसे यूज करेंगे तो ये उतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि इसे लगाने के बाद आप सनस्क्रीन ज़रूर यूज करें। और इसमें यूज करने का तरीका लिखा हुआ है कि इसे दिन में 2 बार यूज करना है फेस वॉश करने के बाद और टोनर लगाने के बाद इसे लगाना है, बट मैं तो इसे डायरेक्टली अप्लाई करती हूँ तो मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी ये पर्सनल चॉइस है, आप कैसे भी यूज कर सकते हो। आप सभी सोचते होंगे कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, बट मैं सिंपल सा एक कैलकुलेशन आपको बताती हूँ। मैं इस जेल को मतलब 4 महीने से यूज कर रही हूँ और मैंने इसको डिस्काउंट में ख़रीदा है, 350 में तो नहीं ख़रीदा, फिर भी मैं इसको 350 / 4 करती हूँ तो पर मंथ मुझे 87 या 88 का पड़ता है। तो आप खुद ही डिसाइड कर लो कि ये महंगा है या फिर बजट फ्रेंडली है। और इसमें इतना प्रोडक्ट बचा हुआ है कि ये 1 मंथ और चलेगा। और हाँ दोस्तों, ये जो इसकी क्वांटिटी है वो 100 ग्राम होती है और इसका बस एक ही साइज अवेलेबल है। अगर आपको ट्राई करने के पर्पज़ से भी लेना है तो आपको यही सेम साइज लेना पड़ेगा। तो ये था मेरा इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू। और क्या मैं इसे रिपर्चेज करूँगी? जी हाँ, ज़रूर मैं इसे रिपर्चेज ज़रूर करूँगी और मैं इसे रिकमेंड भी करूँगी हर किसी को। और इसका अगर ड्रॉबैक देखा जाए तो इसका एक ही ड्रॉबैक है, तो इसे आप अगर बहुत ज़्यादा रब करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा पील की तरह निकलने लगता है। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ मुझे बताया कीजिए, क्योंकि इससे मुझे आइडिया मिलता है कि मुझे किस तरह का वीडियोज और बनाना चाहिए। प्लीज़ कमेंट किया कीजिए और
अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी किया कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल जो है उसे भी प्रेस कर ले। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।